ला हश का तर्जमा है शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है कसम है रात की जब छा जाए और कसम है दिन की जब रोशन हो और कसम है ज़ात की जिसने नर और मादा को पैदा किया यकीनन तुम्हारी कोशिश मुख्तलिफ़ किस्म की है जिसने दिया अल्लाह की राह में और डरा अपने रब से और नेक बात की तस्दीक करता रहेगा तो हम भी उसको आसान रास्ते की सहूलत देंगे लेकिन जिसने बखीली की और बेपरवाही बरती और नेक बात की तकजीब की तो हम भी उसकी तंगी और मुश्किल के सामान उसको मुश्किल का सामान मैसर कर देंगे उसका माल उसे ओंधा गिरने के वक़्त कुछ काम ना आएगा बेशक राह दिखाना हमारे जिम्मा है और हमारे ही हाथ में आखरत और दुनिया है मैंने तो तुम्हें छोले मारती हुई आग से डरा दिया है जिसमें सिर्फ वही बदबक दाखिल होगा जिसने जुटलाया और उसकी पैरवी से मुंह फेर लिया हदीसी मुबारक है रसूल वसल्लम ने फरमाया मोमिन अपनी खुश अखलाकी से रोजेदार और रात को क्याम करने वाले का दर्जा पा लेता है जी तो हमारा आज का जो लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का सेकंड चैप्टर का परफॉर्मेंस एवेल्युएशन रिपोर्ट पीईआर जिसको कुछ अरसा पहले ए सी आर भी कहा जाता था एनुल कॉन्फिडेंशल रिपोर्ट्स के नाम से ये जानी जाती थी पी ए आरस परफॉर्मेंस रिपोर्ट्स एक रिपोर्टिंग ऑफिसर अपने जो उसके अंडर काम करने वाला कोई टीचर है क्लास फोर है कोई भी सरकारी मुलाजिम है तो उसकी एनुअल जो रिपोर्ट है परफॉर्मेंस वो लिखता है किस तरह से लिखी जाती है इसका तरीक़ाकार क्या होता है इसमें क्या चीज़ें शामिल होती हैं ये हम अभी देखेंगे सबसे पहले तो इसका ड्यूरेशन हम देखते हैं कि ये कितने ड्यूरेशन के लिए लिखी जाती है ये मैक्सिमम जो है वो एक साल के लिए लिखी जाती है और मिनिमम तीन मंथ के लिए यानी किसी सरकारी मुलाजिम की जो परफॉर्मेंस है एक साल में फ़र्ज करें अगर वो उसने तीन महीने जो है वो काम किया किसी एक रिपोर्टिंग ऑफ़िसर के अंडर रिपोर्टिंग ऑफिसर और काउंटर साइनिंग ऑफ़िसर दो किस्म की जो है लोगों के यहाँ पे साइन होते हैं इस रिपोर्ट के ऊपर तो इनको भी हम देखेंगे रिपोर्टिंग ऑफिसर वो होता है जो इमीजिएट अथॉरिटी या इमीजिएट बॉस होता है यानी एक स्कूल का जो हेड है अब वो एक इमीजिएट बॉस है तो एलिमेंट्री स्कूल का हेड भी सेकेंडरी स्कूल का हेड है भी हायर सेकेंडरी स्कूल का हेड भी वो रिपोर्टिंग ऑफिसर होता है अपने स्टाफ का उसके जो क्लास फोर क्लर्क और जो टीचिंग स्टाफ है सारे के सारा ये उसका रिपोर्टिंग ऑफिसर होता है इसी तरह जो प्राइमरी स्कूल के टीचर हैं उनका रिपोर्टिंग ऑफिसर या उनकी रिपोर्टिंग ऑफ़िसर उनका मुदालिका ए e. उनकी ए e. होती है यानी प्राइमरी स्कूल में जितने भी टीचर हैं उनका रिपोर्टिंग ऑफ़िसर उनका ए होता है पंजाब की मैं बात कर रहा हूँ इसी तरह जो एलिमेंट्री स्कूल है उसका हेड उसका मेल या फीमेल हेड सेकेंडरी स्कूल का हेड हायर सेकेंडरी स्कूल का हेड ये रिपोर्टिंग ऑफिसर होता है रिपोर्टिंग ऑफिसर का काम क्या होता है रिपोर्ट इनिशिएट करना कौन सी रिपोर्ट जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं पी (परफॉर्मेंस आर रिपोर्ट तो मिनिमम <coughs> पीरियड मैंने बता दिया तीन महीने हैं और मैक्सिमम पीरियड इसका एक साल होता है अब ये कब लिखी जाती है जनवरी से लेकर ले दिसंबर तक ये वाला साल जैसे हमारा जो ईयर है अगर हम बात करें तो वो जो है वो यकम अप्रैल से इकतीस मार्च तक होता है इसी तरह अगर हमारा माली साल देखा जाए तो वो यकम जुलाई से तीस जून तक होता है लेकिन जो पी का ईयर है ये जो आ, आ, सोलर ईयर है यही वाला जो है वो कंसिडर किया जाता है यानी यकम जनवरी से लेकर इकत्तीस दिसंबर तक तो पी ई आर जो जनवरी के पहले वीक में इनिशिएट करता है कौन करता है रिपोर्टिंग ऑफ़िसर मैंने बता दिया कि कौन कौन से रिपोर्टिंग ऑफिसर होते हैं अब इस ये रिपोर्ट रिपोर्टिंग ऑफिसर जो है इसने एक पी ई आर को ए सी आर को इनिशिएट कर दिया इनिशिएट करके ये फारवर्ड कर देगा उसको इनवेलप में जो है वो फारवर्ड करेगा मुतलक़ा काउंटर साइनिंग ऑफिसर को रिपोर्टिंग ऑफिसर इनिशिएट करता है काउंटर साइनिंग अफ़िसर उसको वेरीफाई करता है वो उससे एग्री या डिसएग्री होता है यानी जो स्टेटमेंट्स उस, उसकी परफॉर्मेंस से रिलेटेड एक रिपोर्टिंग ऑफिसर ने दी होती हैं तो जो काउंटर साइनिंग ऑफिसर है वो उससे एग्री भी कर सकता है डिसएग्री भी कर सकता है तो अब एक रिपोर्टिंग ऑफिसर ने रिपोर्ट जनरेट कर दी और उसने भेज दी काउंटर साइनिंग ऑफ़िसर को तो काउंटर साइनिंग ऑफिसर क्या करेगा उस पर अपने रिमार्क्स जो है वो ऐड करेगा वो हो सकता है उससे जो है उसने जो कमेंट्स लिखे हैं उससे एग्री करे हो सकता है उससे डिसएग्री करे तो ये दोनों सूरतें हो सकती हैं दो कलर्स की पी यूज़ की जाती हैं एक पिंक कलर की और दूसरी ग्रीन कलर की ग्रेड वन से लेकर ग्रेड फिफ्टीन तक जितने भी सरकारी मुलाजमीन हैं इनके लिए जो कलर यूज़ किया जाता है या जिस जो जिस कलर की पी आर e. यूज़ की जाती है वो पिंक कलर है और जो गजटेड होते हैं ग्रेड सिक्सटीन से अबव उनके लिए ग्रीन कलर की जो पी आर e. है ये यूज़ की जाती है रिपोर्टिंग ऑफिसर हमने पहले देख लिया रिपोर्टिंग ऑफिसर कौन कौन होते हैं इसकी हमने बात कर ली अब हम बात करने जा रहे हैं काउंटर साइनिंग ऑफ़िसर की तो काउंटर साइनिंग ऑफ़िसर हम निचले लेवल से स्टार्ट करेंगे प्राइमरी स्कूल की जैसे हमने बात की कि उनका रिपोर्टिंग ऑफिसर सारे प्राइमरी स्कूल्स का कौन होता है उनकी ए उनका ए होता है बॉयज या गर्ल्स स्कूल हैं तो मुताल उनका होगा अब ए के ऊपर जो इमीजियट अथॉरिटी है वो काउंटर साइनिंग अथॉरिटी होगी कौन होता है अब ए के ऊपर ए के ऊपर डेप्टी डी होता है तो डेप्टी डी जो है वो रिपोर्टिंग ऑफ़िसर के बाद जो है काउंटर साइनिंग अथॉरिटी है प्राइमरी स्कूल के तमाम टीचर प्राइमरी टीचर्स की अब हम आते हैं एलिमेंट्री स्कूल में एलिमेंट्री स्कूल में पी एस टी भी होते हैं ई एस टी भी होती हैं तो इनका रिपोर्टिंग ऑफिसर इनका हेड है और इनका काउंटर साइनिंग ऑफ़िसर अगेन डेप्टी डी ओ होता है हर तहसील में एक डिप्टी डी ओ होता है तो प्राइमरी स्कूल का रिपोर्टिंग ऑफिसर ए मिडल स्कूल के प्राइमरी और एलिमेंट्री टीचर्स का रिपोर्टिंग ऑफिसर उनका हेड और काउंटर साइनिंग ऑफ़िसर दोनों का प्राइमरी और मिडिल स्कूल का कौन हुआ डिप्टी डी डी ओ हुआ अब हम बात करते हैं जो एलिमेंट्री स्कूल का मिडिल स्कूल की जो हेड है या जो हेड है उसका रिपोर्टिंग ऑफिसर कौन होगा वो तो अपने स्टाफ का है उसका जो रिपोर्टिंग अफ़िसर है उसका डेप्टी डी होगा जो उसके स्टाफ का काउंटर साइनिंग ऑफिसर है लेकिन उसका अपना क्या होगा ये रिपोर्टिंग ऑफिसर है इसी तरह इसका जो काउंटर साइनिंग ऑफ़िसर होगा जो डी एलिमेंट्री होगा जैसे मैंने इस चैप्टर में कहीं आपसे डिस्कस की हैं ये बातें कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे सी होता है सी के नीचे तीन डी होते हैं एक डी सेकेंडरी जो हाई और हायर सेकेंडरी स्कूल को डील करता है और डी एलिमेंट्री मेल जो तमाम डिस्ट्रिक्ट के तमाम प्राइमरी और मिडिल बॉयज़ स्कूल्स को डील करता है डी एलिमेंट्री फीमेल वो डिस्ट्रिक्ट के तमाम बॉयज़ जो सॉरी तमाम गर्ल्स प्राइमरी और एलिमेंट्री स्कूल्स को डील करती है तो एलिमेंट्री <Drive Thankfully>, ha स्कूल चाहे वो मेल है या फीमेल है उसका जो रिपोर्टिंग ऑफिसर या उसकी रिपोर्टिंग ऑफिसर उसकी डेप्टी डी और उसकी काउंटर साइनिंग ऑफिसर उसकी डी ओ वुमेन है या डी मेल है तो उसके बाद हम बात करते हैं सेकेंडरी स्कूल की हायर सेकेंडरी स्कूल की इन स्कूलों में जो रिपोर्टिंग ऑफिसर है जैसे पहले मैंने बताया वो तो उनका हेड हुआ अब जो काउंटर साइनिंग ऑफिसर है इनका वो डी ओ सेकेंडरी होगा क्योंकि जो मैंने बताया कि तीन डी होते हैं एलिमेंट्री मेल एलिमेंट्री फीमेल और सेकेंडरी तो सेकेंडरी जो है सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी स्कूल हाई और हायर सेकेंडरी स्कूलों को डील करता है तो हेड मास्टर के बाद वो इमीडिएट अथॉरिटी होती है तो उनका काउंटर साइनिंग ऑफ़िसर उनका डी होगा इसी तरह जो एज़ हैं इनका रिपोर्टिंग ऑफिसर डेप्टी डी काउंटर साइनिंग ऑफ़िसर डी इसी तरह जो डेप्टी डी होते हैं उनका रिपोर्टिंग ऑफ़िसर डी और काउंटर साइनिंग ऑफ़िसर उनका सी तो इस तरह से जो है ये सारा सिलसिला चलता है ये सारी चीज़ें ऊपर मेंशन की हुई हैं उसके बाद होता है तो ये जो है जनवरी के पहले हफ़्ते में दी जाती है जनवरी के पहले हफ़्ते में रिपोर्टिंग ऑफिसर इसको फिल करके आगे फॉरवर्ड करता है और जो आगे फॉरवर्ड जो होती है तो बेसिकली ये जो है रिकॉर्ड में रखी जाती है कॉन्फिडेंशली राज में रखी जाती हैं हाँ अगर किसी भी टीचर की परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड स्टेंडरइज्ड नहीं है एक जो मैारी नहीं है या उसने उसकी उसके ख़िलाफ़ कोई कानूनी कार्रवाई हो रही है उसने कोई करप्शन एम्बेजलमेंट या रूल्स की वाइलेशन की है तो उस सूरत में उसको जो है जो एडवर्स रिमार्क्स दिए जाते हैं फ़र्ज़ करें वो अच्छे रिमार्क्स नहीं दिए जा रहे तो उसको फिर क्या किया जाता है उसको जो है वो इंफॉर्म कर दिया जाता है कि आपकी ये जो रिपोर्ट है इस तरह की है तो वो उससे यानी स्कूल केसेस होंगे सर सर जो मिडिल स्कूल के असिस्टेंट होंगे हेडमास्टर होंगे मिडिल स्कूल के जी जी उनका सर इमीडिएट और कैप्टी डीओ होगा उनका डिप्टी डीओ काउंटर साइनिंग डीओ एलिमेंट्री काउंटर साइनिंग डीओ एलिमेंट्री हां जी अस्सलाम वालेकुम सर वालेकुम सलाम सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जो आ, ऑफिसर होता है रिपोर्टिंग ऑफिसर उसके अंडर कमांड कितना अरसा जरूरी है ताकि वो लिख सके मैं हो सकता है ना कि एक साल के अंदर तीन महीने तीन महीने तो उसका सर इनिशिएशन पीरियड आपने बताया ना कि अगर आपने मिसाल के तौर पर ज्वाइन किया है हाँ. आ, कहीं जाके किया हो नवंबर में किया हो साल हुँ. तो फिर तो आपकी उस साल ने

मैं मेरा मेरा ये सवाल है मिसाल के तौर पर सर एक अफसर है उसके अंडर, अंडर में काम कर रहा हूँ और मैंने उसके अंडर काम किया दस महीने उसके बाद वो पोस्ट आउट हो गया तो नया अफसर आ गया तो क्या नया अफसर जो है वो अगले दो महीने जब उसके साथ मैं काम करूंगा तो उसके पास अख्तियार है कि वो मेरी नहीं, वो नहीं करेगा, वो करेगा जी नहीं वो आपकी ए सी आर नहीं होती इसके लिए डिपार्टमेंट ने लेस देन थ्री मंथ सर्टिफिकेट वो रिटर्न फॉर्म में होता है कि इसका पीरियड जो है एसीआर इनिशिएट करने का नहीं होता इसकी परफॉर्मेंस जो है वो इन दो महीने दस दिन में ये मैंने ऑब्जर्व किया स्टेटमेंट की, की शक्ल में होगी इसकी जो सर्विसेज हैं वो डिपार्टमेंट के लिए बेनिफिशियल हैं या नहीं है तो ये जो है इसको मज़ीद सर्विस में रिटेन रखा जाए तो इस तरह के जो कमेंट्स होते हैं वो फिर दिए जाते हैं एक लेटर की शक्ल में फिर एसीआर जो प्रॉपर इसका फॉर्मेट है वो ये चल रहा है कि वो ये लिख देते हैं

ठीक है सर और सर दूसरा सवाल यह है कि ये ए सी आर जब फाइनल हो जाती है उसके बाद किस ऑफिस में ये पड़ी रहती है जो है ना इसका बाय रूल तो यह पड़ी रहेंगे कम्पिटेंट जो अथॉरिटी है उसके ऑफिस में लेकिन ऐसे हाँ हम, हमारे यहाँ ऐसा होता नहीं है ये अपने टीचर्स के या जो मुलाजमें हैं उनके अपने पास ही होती हैं वैसे ये हर साल जो है ये इनिशिएट करनी चाहिए लेकिन ये हमारे यहाँ सिस्टम ये है कि जब किसी की प्रमोशन हो रही है या कोई जो है किसी दूसरी जॉब पे जाना चाह रहा है जॉब को छोड़ना चाह रहा है तो फिर लास्ट थ्री इयर्स की जो है वो ले लेते हैं ऐसी सिर्फ और एक और सवाल तो है सर तो जो कलर आपने बताया सर हाँ। कलर पिंक जो है वो नॉन गस्टेड के लिए और गस्टेड के लिए ग्रीन है हाँ जी तो फेडरल फेडरल में तो ये और तरह का है फेडरल के अंदर पिंक जो है वो 18 ग्रेड एंड अबव के लिए और जो गजटेड ऑफिसर हैं सत्रह और अठारह उनके लिए लाइट येलो है सही है चले मैं मैंने वैसे पंजाब की बात की है फेडरल का मुझे आइडिया नहीं था आपने इसमें ऐड कर दिया थैंक यू सो मच दस्तूरमल की हम बात करते हैं 2011 में जो हेड साहिबान थे जितने भी प्राइमरी स्कूल के हेड्स तो उनके लिए एक दस्तूरुल अमल के आपने कैसे जो है स्कूल को रन करना है उनके लिए एक मैनुअल की शक्ल में बुकलेट बुकलेट की शक्ल में जो दस्तूर है रूल्स हैं रेगोलेशन हैं कि आपने कैसे सिस्टम को चलाना है अपनी कम्यूनिटी को कैसे इन्वॉल्व करना है तो ये जो है इस पर ट्रेनिंग भी कराई गई और उनको किताबचे की शक्ल में बुकलेट की शक्ल में वो सारा दस्तूर जो है वो रिटर्न फॉर्म में दिया भी गया तो ये बात सी क्यूद में पूछा जाता है ये 2011 में दिया गया इसका मेन जो आप कह लें कि मकासद जो थे वो क्या थे सबसे पहले पेरेंट्स कम्युनिटी और स्कूल का जो आपस में लिंकेज है इसको मजबूत करना और त, इसे ताकि जो स्कूल के स्टैंडर्ड है एजुकेशन का जो मैार है हमारा क्वालिटी एजुकेशन है और पेरेंट्स और कम्युनिटी की इन्वॉलमेंट है स्कूल की इसको बूस्टअप करने के लिए सौ फीसद इनमेंट और ज़ीरो ड्राप आउट यानी सारे आउट ऑफ स्कूल बच्चे या काबिलियत ख़ाल बच्चों को दाखिल करना और ड्राप आउट को मिनिमाइज करना उसके बाद रोड मेमोराइजेशन को रटा की जो हमारे यहाँ ट्रेंड चल रहा है उसको ख़त्म करना और एडमिशन की एस स्टूडेंट टीचर रेशो हर 40 टीचर के लिए सॉरी हर 40 बच्चों के लिए एक टीचर जो है इस तरह इस रेट पे बच्चों का एडमिशन करना उसके बाद स्कूल जो टाइमिंग इसमें बताई गई थी 16 अप्रैल से 14 अक्टूबर तक वो पाँच घंटे ये पंजाब की बात हो रही है अगेन इस तरह विंटर में पंद्रह अक्टूबर से पंद्रह अप्रैल तक ये जो है साढ़े पाँच घंटे और आठ पीरियड्स होंगे आ, जो हैं डेली और पाँच पीरियड्स होंगे फ्राइडे को यानी जुम्मे वाले दिन पाँच पीरियड और बाकी दिनों में आठ पीरियड जो है वो डेली बेसिस पे होंगे इस तरह लिटरेसी एंड न्यूमरेसी ड्राइव एल एन डी ये दो हज़ार पंद्रह में स्टार्ट हुआ था लिटरेसी न्यूमरेसी ड्राइव दो हज़ार पंद्रह में जो सेक्ट्री एजुकेशन थे उस वक्त उन्होंने ये एक इनिशिव लिया क्वालिटी ड्राइव इनिशिएटिव के नाम से क्यू डी इनिशियटिव तो जिसको जो सी एम पंजाब थे उस वक्त शरीफ तो उन्होंने उनको अप्रिशिएट किया फिर इस पर प्रॉपरली काम स्टार्ट हुआ ये तीसरी क्लास के जो बच्चे हैं उनकी लिटरेसी और न्यूमरेसी स्किल्स जो है ये आ, उसको मैयर करने के लिए एक सिस्टम जो है वो डिवाइस किया गया और उसमें बाकायदा जो एस एल ओज़ बताए जाते हैं इन तीन सब्जेक्ट्स के कि ये जो एस एल ओज़ हैं आपके आ, स्टार्ट में ऐसा था कि ये एनुअल एस एल ओज थे यानी साल के स्टार्ट में एस एल ओज़ बता दिए जाते थे कि मैथ है तो इसमें एडिशन है टू डिजिट है कैरी के साथ हासिल के साथ है बग़ैर हासिल के साथ है तो इस तरह के जो है वो साथ में एस एल ओज इन तीन सब्जेक्ट्स के टेस्ट लिए जाते हैं आज भी अब भी लिए जा रहे हैं तीसरी क्लास से मैथ इंग्लिश और उर्दू तो ये तीन सब्जेक्ट्स हैं जिनसे तीसरी क्लास के बच्चों से रेंडमली जो है वो टेस्ट लिए जाते हैं जिसको मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन असिस्टेंट एम ई जो है वो बच्चों की ऑनलाइन टेस्ट के थ्रू जो है वो एवेलन करता है जिसकी रिपोर्ट फिर लाहौर जाती है उसके बाद फिर जो है डिस्ट्रिक्ट वाइज पहले स्कूल वाइज आती थी फिर मरकज़ वाइज और अब जो है वो डिस्ट्रिक्ट वाइज रिपोर्ट आती है एल की लिटरेसी एंड न्यूम्रसी ड्राइव एल स्टैंड फॉर लिटरेसी एंड न्यूमरेसी ड्राइव एम में पूछा जा सकता है जी उसके बाद पंजाब सिविल सर्वेंट एक्ट 1974 हम जितने भी ये जो लेटेस्ट अपने रूल्स पढ़ रहे हैं इनमें कुछ अमेंडमेंट भी हो चुकी हैं लेकिन ये 4 जून 1974 को सिविल सर्वेंट जो है पंजाब के जितने भी गवर्नमेंट मुलाजमीन हैं उनके लिए जो एक्ट्स हैं डिफरेंट जो सर्विस स्ट्रक्चर है उनका प्रमोशन है डिमोशन है इसी तरह उनके जो फाइना, फाइनानशल जो उनको कंपनसेशन दी जाएगी वो सारी चीज़ें जो है ये पंजाब सिविल सर्वेंट जो रूल्स uh, हैं या सिविल सर्वेंट एक्ट है 1974 इससे हमें पता चलते हैं तो इसमें सिविल सर्वेंट की डेफिनेशन है अ पर्सन हु इज़ मेंबर ऑफ़ सिविल सर्विसेज ऑफ द प्रोविंस आर हु होल्ड्स अ सिविल पोस्ट इन कनेक्शन विद अफेयर्स ऑफ द प्रोविंस यानी वो इंडिविजुअल जो कोई भी सिविल सर्विस को पब्लिक पोस्ट कोई भी वो होल्ड करता है पंजाब गवर्नमेंट uh, के अंडर तो वो सिविल सर्वेंट कहलाएगा तो इसमें काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो इस एक्ट में डिस्कस की गई हैं सबसे पहले जो मैं बता रहा था कि जो सेवन नाइनटीन सेवेंटी फोर के जो रूल्स हैं हमारे उनमें हमारी प्रमोशन और इसी तरह अपॉइंटमेंट कैसे होगी प्रमोशन कैसे होगी कंपनसेशन क्या होगी रिटायरमेंट कैसे होगी ये सारी चीज़ें उसमें डिस्कस की गई हैं तो उनका जो आप कह लें कि मेन थीम है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं या रिपीट हुई हैं एग्ज़ाम में टेस्ट इंटरव्यू में सिर्फ मैंने सिर्फ वो चीज़ें ऐड की हैं सबसे पहले अपॉइंटमेंट है अपॉइंटमेंट कैसे होगी एक सरकारी मुलाजिम की अपॉइंटमेंट जो है ये दो तरह से होगी इनिशियल अपॉइंटमेंट होगी थ्रू ट्रांसफ़र या फिर थ्रू प्रमोशन यानी जो इनिशियल है वो कैसे होगी ट्रांसफ़र या प्रमोशन से होगी ट्रांसफ़र से क्या मुराद है कि एक जगह से दूसरी जगह सैलरी भी सेम रहेगी डेजिग्नेशन भी सेम रहेगी वर्क भी सेम होगा जो स्टेशन है वो चेंज हो जाता है इसको हम कहते हैं ट्रांसफ़र जैसे एक स्कूल का जो हेड है एक जगह पे कोई डिप्टी डी है तो डिप्टी डी से दूसरी जगह डिप्टी डी चला गया हाई स्कूल का हेड है हायर सेकेंडरी स्कूल का हेड है तो वो कहीं डी ओ उसको लगा दिया गया इसी तरह कोई प्रिंसिपल है उसको सी लगा दिया गया तो सैलरी और उसका जो है डेजिग्नेशन वो उसकी जो पोस्ट है वो सेम रहती है जबकि जो है उसको फिल किया जाता है इस ट्रांसफ़र के थ्रू दूसरा तरीका होता है प्रमोशन का प्रमोशन में ये होता है कि जो सीनियर मोस्ट होते हैं जो एज के हवाले से जो डेट ऑफ जॉइनिंग के हवाले से तो उनको जो है सबसे पहले ये अपॉर्चुनिटी दी जाती है पंजाब के अंदर फ़र्ज़ करें हम डिस्ट्रिक्ट बकर की बात करें कि इस वक्त फ़र्ज करें डिस्ट्रिक्ट बकर में 2000 पीएसटी काम कर रहे हैं और 10 ईएसटी की सीटें जो हैं वो बखर में वैकेंट पड़ी हैं तो पहले जो टॉप टेन होंगे मोस्ट एक्सपीरियंस यानी जो सबसे पहले भर्ती होंगे तो उनको ऑप्शन दिया जाएगा प्रमोशन का तो ये प्रोमोशन इस तरह से होती है लोअर पोस्ट से हायर पोस्ट की तरफ जो है एक इंडिविजुअल को अपॉइंट किया जाता है प्रोमोशन इज़ डिफाइंड एज द मूवमेंट ऑफ एन एम्प्लायर फ्रॉम वन पोजिशन टू अनदर पोजिशन ऑफ अ हायर पे आर ग्रेड इसमें सैलरी भी उसकी जो है वो ज़्यादा हो जाती है डेजिग्नेशन भी चेंज हो जाती है मेरट और सीनियरिटी और एज बेस जो है ये प्रमोशन की जाती है सबसे पहले ये सीनियरिटी बेस होती है सीनियरिटी बेस से क्या मुराद है मैं और आ, सुहेल आज फर्ज करें सुल और मैंने जो है वो डिपार्टमेंट को जॉइन किया आ, कल जो है वो मज़र मज़र साहब ने कल अपनी जो है वो जो उनको नई कोई पोस्ट मिली है तो वह जॉइन की अब सीनीरिटी के हवाले से मैं फ़र्ज़ करें और सुल साहब मैं हम हम दोनों जो हैं वो इनसे सीनियर हो जाएंगे तो जब भी प्रमोशन मिलेगी जब हमारी बारी आएगी तो पहले किस को मिलेगी मुझे और सुहेल साहब को अब फर्ज करेंगे सुहेल साहब की जो मेरी और सुेल साहब की डेट ऑफ ज्वाइनिंग है वो सेम हो गई है तो फिर क्या किया जाएगा फिर देखा जाएगा जिसकी एज ज़्यादा है फ़र्ज़ करें जो है हाँ जी एक को फ़र्ज़ करें जिसकी सुहेल साहब की फ़र्ज़ करें मुझसे एज ज़्यादा है एक दिन तो इनको दी जाएगी प्रमोशन फर्ज़ करें कि अगर हमारी जो है, भी सेम है आज हमने किया था, आज की डेट को हमारी एज भी जो है वो बाई चांस दोनों की सेम है डेट ऑफ बर्थ भी सेम है फिर क्या किया जाएगा फिर देखा जाएगा कि जब मेरी और सुहेल साहब की रिक्रूटमेंट हुई थी तो मेरिट में किसके नंबर ज्यादा थे तो जिसके मेरिट में नंबर ज्यादा होते हैं फिर तीसरे नंबर पर यह चीज़ देखी जाती है ट्रांसफर की हमने बात जी सर सब्जेक्ट को नहीं देखा जाता किसी का आर्ट्स सब्जेक्ट और सब्जेक्ट साइंस नहीं नहीं <coughs> देखें आर्ट्स वालों की अलग से मेरिट बनता है साइंस वालों का अलग से बनता है सब्जेक्ट को नहीं देखा जाता सब्जेक्ट तो वो उस कैटेगरी को देखा जाता है जिस पोस्ट, जिस पोस्ट पोस्ट के लिए वो दोनों एलिजिबल हैं फर्ज कर मैंने इमेजिन ये, ये, ये किया कि मैं और सुल साहब दोनों जो है फर्ज करें हम जो है ऐसे हम दोनों पी एस टी थे ई एस टी इंग्लिश के लिए फर्ज करें हम हमारा दोनों का जो है वो डेट ऑफ जॉइनिंग भी सेम है और हम सीनियर भी हैं तो जो सब्जेक्ट है ये सब्जेक्ट वाइज प्रमोशन अलग होती है ठीक है सर सवाल ये जो मेरिट है जो आप बता रहे थे जिसको तीसरे नंबर पे देखना चाहिए तो क्या इसको दूसरे पे नहीं देखना चाहिए और एज को तीसरे पे होना चाहिए सीनियरिटी पहले देखी जाती है फिर एज देखी जाती है रूल्स के अकॉर्डिंग उसके बाद फिर मेरिट देखा जाता है ठीक है मेरिट में जो आजकल का मेरिट है फॉर्मूला वो देखा जाता है या जो सब्जेक्ट के मार्क्स है सॉरी जो आपको डिग्री डिग्री के, के मार्क्स नहीं, आपका रिक्रूटमेंट मेरिट देखा जाता है ऐसा बहुत ही राजी. कम होता है कि किसी दो बंदों की डेट ऑफ ज्वाइनिंग भी सेम हो और एज भी सेम हो और एज मतलब डेज में देखी जाती है ना ईयर में तो नहीं देखी जाती मंथ डिफरेंट हो सकते हैं फिर डेज बहुत ही कम ऐसा होता है कि मेरिट पर जाना पड़े उसके बाद डिमोशन डिमोशन जो है ये पेनल्टी की सूरत में होता है अर्पो से अर्पो की तरफ जी सर इसमें है ना वो बात कर रहे थे ना तो इसमें कबल आज दोपहर जॉइनिंग और बाद आज दोपहर हाँ, जॉइनिंग ये भी होता, होता है कि कुछ लोगों ने 12 पीएम से पहले ज्वाइन किया एक स्टेशन ठीक है तो वो सीनियर हो जाएगा जिसने 12 बजे के बाद ज्वाइन किया वो जूनियर हो जाएगा ये भी फैक्टर होता है उसके बाद प्रोबेशन प्रोबेशन में दो साल इनिशियली जब एक सरकारी मुलाजिम रेगुलर सर्विस में अपॉइंट होता है तो दो साल जो है उसका पीरियड प्रोबेशन पीरियड कहलाता है इसमें देखा जाता है कि क्या जो है वो जिस पोस्ट के लिए उसको सेलेक्ट किया गया है क्या उसके वो काबिल है वो अपनी परफॉर्मेंस जो सेट किए गए हैं स्टैंडर्ड्स उनके अकॉर्डिंग दे रहा है या नहीं दे रहा तो ये चीज़ देखी जाती है इनिशियल अपॉइंटमेंट या इनिशियल रिक्रूटमेंट पे प्रोबेशन पंजाब सिविल सर्वेंट एक्ट के मुताबिक दो साल है जबकि प्रमोशन या डिस्चार्ज की शक्ल में ये जो है वो एक साल प्रोबेशन पीरियड होता है उसके बाद प्रोविडेंट फंड इसकी जो है जीपी फंड जिसको हम कहते हैं जनरल प्रोविडेंट फंड इसकी जो है डिडक्शन वो कंपलसरी होगी जो कि डिस्ट्रिक्ट अकाउंट्स ऑफिस में मेंटेन किया जाएगा ये हम डिस्कस भी कर चुके हैं कल और उसके बाद है बेनोवेंट फंड ये जो है एक किस्म की इंश्योरेंस ही होती है तो सरकारी मुलाजमीन के को जो है वो डिफरेंट ग्रांट्स दी जाती हैं जिसको हमने कल डिस्कस किया था उसके बाद है रिटायरमेंट फ्राम सर्विस सर्विस जो है उसमें कम से कम आपकी जो है एज सर्विस एक्सपीरियंस है आपका वो 20 साल हो तो आप जो है पेंशन के लिए क्वालिफाई करेंगे और मोस्टली जो है ये जो आप कह लें कि आखिरी एंड एक सर्विस की जो है पंजाब में सरकारी मुलाज़मीन की वो साठ साल है और मिनिमम जो है ट्वेंटी इसके लिए पेंशन के लिए क्वालिफाई करने के लिए है। जी सरकारी आजकल डिपार्टमेंट तो, आज तो पच्चीस साल का नहीं कह रहे भी पच्ची साल हो पच्चीस साल लेटेस्ट जो नोटिफिकेशन है उसके मुताबिक लेटेस्ट नोटिफिकेशन, ले नोटिफिकेशन के मुताबिक लेटेस्ट नोटिफिकेशन के मुताबिक 25 साल सर्विस और 55 साल एज ये दो चीज़ें उन्होंने कंबाइन की यानी 25 साल कम से कम सर्विस और 55 साल एज तो फिर वो क्वालिफाई करेगा ये जैसे मैंने बताया कि इस रूल्स में अमेंडमेंट्स होती रहती हैं जी लेटेस्ट जो है इस वक्त जो चल रही है ऑनलाइन रिटायरमेंट है मैं रिपीट करता हूँ तो पच्चीस साल सर्विस है और पचपन साल एज कम अज़ कम हो पहले एज जो है वो साथ नहीं देखी जाती थी एज जिसकी जितनी भी है एक बंदा बीस साल की उसमें एज में फ़र्ज करें अपॉइंट हुआ तो पैंतालीस साल की एज में मुकम्मल पेंशन के साथ वो रिटायर हो सकता था लेकिन अब ये है कि वो कम अज़ कम पचपन साल उसकी ऐज भी हो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट टोटल क्वालटी मैनेजमेंट से मुराद ये है कि जितने भी मुलाजमीन हैं वहाँ पर वर्कर्स हैं एम्प्लॉय हैं या जितने भी मेम्बर्स हैं वो सोसाइटी की यानी स्कूल की हम बात करें स्कूल की टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट की कि हम जो है मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी दें जो जो एक्सपेक्टेशन हैं सोसाइटी की जो एक्सपेक्टेशन हैं उसकी जो नेशनल जो है ऑब्जेक्टिव्स हैं हम वो भी अचीव कर रहे हैं सोसाइटी की जो इंटेंशंस हैं ऑब्जेक्टिव्स हैं हम वो भी अचीव कर रहे हैं और हमारे जो लर्नर्स हैं वो इफेक्टिवली और एफिशिएंटली चीज़ें वो भी लर्न कर रहे हो तो इसको हम कहते हैं स्कूल की टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट इट मींस पार्टिसिपेशन ऑफ ऑल मेंबर्स इन मीटिंग द नीड्स एंड वांट्स ऑफ द सोसाइटी एंड लर्नर्स इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली ये टीम वर्क पे फोकस करता है टोटल से क्या मुराद है टोटल से मुराद है कि एक स्कूल के तमाम जो वर्कर्स हैं वो क्वालिटी पे जो है वो बिलीव करके उसके लिए एफ़र्ट्स कर रहे हो हेड है क्लर्क है क्लास फोर है इसी तरह जो टीचर्स हैं तो सारे के सारे मिल के क्या कर रहे हो उसकी प्रोडक्टिविटी में अपना प्रो रोल प्ले कर रहे हो क्वालिटी से मुराद क्या है कस्टमर्स नीड कस्टमर नीड।, नीड, नीड से मुराद यहाँ पे हमारे स्टूडेंट की नीड्स हैं सोसाइटी की नीड्स हैं और उनकी सेटिसफेक्शन है और अगर हम किसी इंडस्ट्री की बात करें तो यहाँ पे प्राइस प्लेस टाइम ये चीज़ें भी साथ आ जाती हैं तो टाइम जो है हमारी भी उसमें आता है स्कूल लेवल पे भी मैनेजमेंट मैनेजमेंट जो है वो टॉप मैनेजमेंट की रेस्पॉसिबिलिटी होती है किसी भी पॉलिसी को इम्प्लीमेंट कराना उसका उसकी सक्सेस या उसका फेलियर जो है वो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है टॉप मैनेजमेंट की क्वालिटी एश्योरेंस क्वालिटी एश्योरेंस से मुराद ये है कि जो सर्विस एक अदारा एक ऑर्गेनाइजेशन दे रही है तो वो जो उसकी सर्विसेज हैं जिस लेवल की सर्विसेज रिक्वायर थी क्या उस लेवल के अकॉर्डिंग दे रही है या नहीं दे रही इसको ये जो प्रोसेस है इसको हम क्या कहते हैं क्वालिटी एश्योरेंस कहते हैं कि उन स्टैंडर्ड के मुताबिक जो है उस रिक्वायर्ड क्राइटेरिया के मुताबिक सर्विसेज प्रोवाइड करना ये हमारा क्या कहलाता है क्वालिटी एश्योरेंस कहलाता है क्वालिटी एश्योरेंस इज़ अ प्रोसेस इन विच डिलीवरी ऑफ सर्विसेज और क्वालिटी ऑफ अ प्रोडक्ट इज असेस्ड एंड कंपेयर्ड विद दैट रिक्वायर्ड इट इज़ चेक दैट वेदर इट मीट्स द लर्नर्स आर सोसाइटी एक्सपेक्टेशर नॉट इंस्टीट्यूशन पाकिस्तान में पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ क्वालिटी कंट्रोल पी आई की यू सी हम अक्सर जो प्रोडक्ट्स हैं उनके ऊपर देखते हैं कि आई एस ओ लिखा होता है आई एस ओ स्टैंड फॉर इंटरनेशनल जो है वो स्टैंडर्ड ऑर्गनाइजेशन आई थिंक सो तो <coughs> ये जो है वो चेक करता है कि ये इस चीज़ की कोई भी प्रोडक्ट है चाहे वो खाने पीने से रिलेटेड है या वैसे डोमेस्टिक यूज़ से रिलेटेड है पर्सनल यूज़ से कोई आइटम है तो उन सब की जो क्वालिटी आप अगर देखें तो पैक्स के ऊपर जो है ग्रीन कलर का फ्लैग बना होता है और नीचे लिखा होता है आई सर्टिफाइड तो ये पाकिस्तान का इदारा है पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ क्वालिटी कंट्रोल ये हमारी प्रोडक्ट्स को कंट्रोल करता है इसी तरह जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है वो कंट्रोल करती है एजुकेशनल क्वालिटी को और हायर एजुकेशन में हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट जो में जो हायर एजुकेशन कमीशन है एच ये क्वालिटी कंट्रोल करता है क्वालिटी ऑफ़ एजुकेशन से क्या मुराद है क्वालिटी एक लेटिन वर्ड जो है क्वालिज से डराइव किया गया जिसका मतलब होता है वट काइंड क्वालिटी बेसिकली कहते हैं कि एक चीज़ जिस लेवल की रिक्वायर्ड है क्या उस लेवल की प्रोवाइड की जा रही है या नहीं की जा रही सक्सेस और फेलर के दरमियान जो है आप समझ लें कि क्वालिटी कहीं पे स्टैंड कर रही होती है कि अगर आप रिक्वायर्ड जो उसके स्टैंडर्ड्स हैं उनके मुताबिक अपनी सर्विसेज दे रहे हैं तो इसका मतलब आपकी जो सर्विस है वो क्वालिटेटिव है अदरवाइज नहीं होगी तो क्वालिटी ऑफ़ एजुकेशन में क्या चीज़ें शामिल होती हैं एजुकेशनल इनपुट जिसमें टीचर्स हैं हमारा करिकुलम है क्लासरूम हमारा इन्वामेंट है मटेरियल है कंटेंट है ये सारी चीज़ें आउटपुट में हम स्टूडेंट हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनकी जो अचीवमेंट्स हैं ये हमारी एजुकेशनल आउटपुट होती है और आउटकम्स क्या होती हैं अचीवमेंट आउट आउटपुट हो गई अब जो उनके बिहेवियर में तब्दीली आई है उनकी परफॉर्मेंस में तब्दीली आई है तो इसको हम क्या कहते हैं स्टूडेंट की आउटकम्स कहते हैं प्रोसेस क्या होता है प्रोसेस कहते हैं टीचिंग मेथड को जैसे हम कहते हैं कि टीचिंग इज़ इंस्ट्रक्शन टीचिंग इज़ प्रोसेस इंस्ट्रक्शन इज डायरेक्शन तो इंस्ट्रक्शन जो है वो डायरेक्शन होती हैं uh, या आप कह लें कि टीचिंग जो मेथडोलॉजी है इसको हम कहते हैं तो प्रोसेस में हम क्या करते हैं जो चीज़ हमने डिलीवर करनी है उसका जो डिलीवरी का तरीका कार है मेथडोलॉजी है हम उसको प्रोसेस कहते हैं उसके बाद अटेनिंग ऑफ स्पेसिफाई स्पेसिफाइड टारगेट्स टारगेट स्पेसिफ़िक होते हैं उनकी अचीवमेंट है स्टूडेंट का नॉलेज एटीट्यूड बिहेवियर्स और वैल्यूज़ में जो है पॉजिटिव चेंज ये एक क्वालिटी एजुकेशन का एक स्टैंडर्ड होता है आइडियालॉजी एक्विजिशन एंड एप्लीकेशन ऑफ लर्निंग जो नेशनल आइडियालॉजी है आ, उसको अंडरस्टैंड करना और इस तरह जो चीज़ें लर्न की हैं अंडरस्टैंड की हैं उनकी आगे एप्लीकेशन है न्यू ट्रेंड्स इन एजुकेशन और एजुकेशनल लीडरशिप इंक्लूसिव एजुकेशन है ये हम आ, इसको डिस्कस कर चुके हैं <coughs> मज़ीद भी इसको जो है टीचिंग मेथड में इन डिटेल भी डिस्कस करेंगे एजुकेशन फ़ॉर ऑल का कंसेप्ट है तमाम बच्चों को तमाम मजाहब के बच्चों को माइनर डिसबिलिटी के बच्चों को जनरल एजुकेशन में मेन स्ट्रीम क्लास में पढ़ाना इंक्लूसिव एजुकेशन कहलाता है जॉब प्लेसमेंट एंड फॉलो अप न्यू ट्रेंड्स में जो है ई e लर्निंग है ब्लेंडेड लर्निंग है ई लर्निंग ऑनलाइन लर्निंग है हम आ, हम जो जिस चीज़ से पढ़ रहे हैं इसको ई e लर्निंग कहते हैं ब्लेंडेड लर्निंग ऑनलाइन लर्निंग प्लस फिजिकल लर्निंग दोनों सेम टाइम में अगर हो रही हो तो इसको ब्लेंडेड लर्निंग कहते हैं टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच चाइल्ड फ्रेंडली क्लासरूम इन्वायरमेंट डेमोक्रेटिक लीडरशिप वो लीडर जो सारे जो बच्चे हैं उनको क्या करें पॉजिटिवली उनको जो है अपनी उसमें इंगेज करे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में उनकी इनपुट्स को और उसके साथ बाद जो है पेरेंट इन्वॉलमेंट वालदे की कम्युनिटी की इन्वालमेंट अकाउंटेबिलिटी एजुकेशन फॉर ऑल बायोमेट्रिक सिस्टम टू कंट्रोल स्टाफ अटेंडेंस लर्निंग बेस्ड ऑन इंडिविजुअल डिफरेंसेज इंडिविजुअल डिफरेंसेस जो है इसको कंसीडर किया जाए क्लासरूम सिचुएशन में और टीचर की मोटिवेशन ये कुछ नया जो है वो ट्रेंड्स हैं इंटरनेशनल ट्रेंड्स हैं एजुकेशन education में एजुकेशनल लीडरशिप में उसके बाद सर्विस बुक है सर्विस बुक जैसे हमने आ, स्टार्ट में बात की थी शायद कि ग्रेड वन से लेकर फिफ्टीन तक के जो मुलाजमी हैं इनको हम कहते हैं नॉन गजटेड मुलाजमीन या सर्वेंट्स और 16 से अबव हम उनको कहते हैं गजटेड तो जो नॉन गजटेड मुलाजमीन हैं उनकी जो सर्विस रिकॉर्ड है सारे का सारा वो एक रजिस्टर में मेंटेन किया जाता है जिसको हम सर्विस बुक कहते हैं तो ये जो है डीडीओ मेंटेन इसको करता है यानी किसी की सर्विस साल हर साल के बाद ये वेरीफाई होती है सर्विस बुक के ऊपर के इस साल से इस साल तक इसने सर्विस जो है सक्सेसफुली कम्प्लीट की है तो डी डी ओ स्टैंड फॉर ड्राइंग एंड ऑफिसर इस पर हम कल डिटेल में बात कर चुके हैं कि इसका क्या काम होता है बजट में ऑडिट में तो ये जो है रेस्पांसिबल होता है टीचर्स की जो सैलरीज होती हैं वो ड्रा करने और डिसबर्स करने में जो गजटेड एम्प्लॉज होते हैं उनका जो है सर्विस रिकॉर्ड वो डिस्ट्रिक्ट अकाउंट्स ऑफिस में मेंटेन किया जाता है उसके बाद प्रिंसिपल्स ऑफ इस्लामिक मैनेजमेंट तोल मुराकबा मुहासबा अखलाक और अमाना यानी ट्रस्ट इन अल्लाह सुपरविजन अकाउंटबलिटी मॉरल एंड एथिकल कॉन्सेप्ट और रेस्पांसिबिलिटी ये पांच जो है वो प्रिंसिपल्स हैं इस्लामिक मैनेजमेंट के और अगर हम एक ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो ऑर्गेनाइजेशन जो है दो प्रिंसिपल्स पे वर्क करती है इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन सबसे पहले है शूरा जिसको हम कहते हैं कंसल्टेशन यानी तमाम अमूर बाहवी मशावरत से तय पाना एंड ताहा डिसप्लिन लीडर्स यानी जो फाइनल फिर डिसीजन यानी पहले तो लीडर मशावरत करेगा तमाम अमूर पर और मशावरत के बाद जो फ़ाइनल अख्तियार होता है डिसीजन का वो किसके पास होता है लीडर के पास जिसको हम ताहा या डिसप्लिन टू लीडर कहते हैं उसके बाद लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का एजुकेशनल एफिशंसी एजुकेशनल एफिशिएंसी की डेफिनेशन है द डिग्री टू विच एजुकेशनल सिस्टम आर सक्सेसफुल इन ऑप्टिमाइजिंग द एजुकेशन एजुकेशनल इनपुट्स एंड आउटपुट रिलेशनशिप यानी एजुकेशन के इनपुट और आउटपुट रिलेशनशिप अगर सक्सेसफुल हैं जितनी इनपुट हैं उतनी ही जो है वो आउटपुट जनरेट हो रही हैं जिसको हम एजुकेशनल एफिशिएंसी कहते हैं इनपुट से क्या मुराद है एफिशिएंसी ऑफ टीचर्स बिल्डिंग क्लास साइज करिकुलम ये सारी की सारी इनपुट्स हैं और आउटपुट स्टूडेंट की जो अचीवमेंट uh, है उनकी डेवलपमेंट है आगे उनकी जॉब प्लेसमेंट है एकेडमिक अचीवमेंट है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है ये सारी की सारी क्या आती हैं आउटपुट आती हैं यानी जो आउटपुट हम प्रोवाइड कर रहे हैं सॉरी इनपुट हम प्रोवाइड कर रहे हैं क्या वो आउटपुट दे रही हैं उसके बाद अप फोकस और इन फोकस अप फोकस में हम तमाम चीज़ों के लिए हायर अथॉरिटी पे फोकस कर रहे होते हैं यानी जो भी डिसीजन हम लेते हैं ऊपर देख रहे होते हैं कि जी यहाँ पे एक वर्ड लिखा है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो डायरेक्टर्स हैं हमारे जो डायरेक्शन दे रहे हैं स्कूल लेवल पे अगर हम बात करें सी को डीओ को तो एक हेड जो है जब डिपेंडेंट हो अपने डीओ सेकेंडरी या सी पे डीसी पे तो उनकी तरफ़ से आने वाली इंस्ट्रक्शन पे तो इसको हम कहेंगे आप फोकस और इन फोकस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो फोकस करके जो डिसीजन है वो अपने कर रहा होगा तो ये हमारा टॉपिक था जो कि चैप्टर था जो यहाँ क्लोज हुआ मेरे वाले साहब तीन दिन से जो है वो हॉस्पिटल में एडमिट हैं अभी भी मैं गाड़ी में बैठ के जो है वो क्लास आपकी ले रहा हूँ तो इसलिए कल भी मैंने जल्दी जल्दी आपकी क्लास ली थी किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग कर सकते हैं दुआ कीजिएगा उनके लिए उनका दिल का थोड़ा सा मसला था बेहतर हैं तो इनशा कल जो है वो हम हॉस्पिटल से भी फ्री हो जाएंगे कल भी मैंने ऐसे ही क्लास आप लोगों के लिए थी जल्दी जल्दी में जी किसी का कोई क्वेश्चन तो सेहत काम करें